हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी अन्नपूर्णी किचन हिंदी में स्वागत है। चिलचिलाते धूप के असहनीय गर्मी में शरीर को ठंड रखने के लिए मैं पूजा आज ले आया हूँ 7 प्रकार की नींबू की शरबत, और हर शरबत की स्वादिष्ट अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नींबू ले लिया। अभी हम नींबू का रस निकाल लेंगे। नींबू के रस निकाल लिया। अभी हम रस में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से नींबू का जो कड़वापन वो हट जाएगा। अभी हम एक ग्लास ले लिया। अभी इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। साथ में स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल देती हूँ। आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 2 चम्मच नींबू के रस डाल दूंगी। साथ में ठंडे पानी डाल देती हूँ। अभी बर्फी के 2 टुकड़े डाल देती हूँ। अभी एक स्पून से शरबत को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लूंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला शरबत चीनी की शरबत तैयार है। अभी दूसरा ग्लास ले लिया। यहाँ पर पहले लौंग और काली मिर्ची को कूट कर डाल दिया। साथ में अदरक को कूट कर डाल दिया और दे देती हूँ गुड़। अभी हम यहाँ पर स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल दूंगी। अभी हम 1 चम्मच नींबू के रस डाल देती हूँ। साथ में ठंडे पानी दे देती हूँ। अभी हम 1 चम्मच से शरबत को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी हम बर्फे के 2 टुकड़े डाल देती हूँ। अभी हम शरबत को और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जितने समय तक ये शरबत का आप मिला लेंगे, इसका डार्क कलर आ जाएगा, क्योंकि हम काली मिर्ची दिया था। आप लोग देख सकते हैं, इस शरबत का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का दूसरा शरबत अदरक का शरबत तैयार हो गया। अभी हम तीसरा ग्लास ले लिया। यहाँ पर पहले गुड़ दे देती हूँ। साथ में स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल देती हूँ। अभी हम 2 चम्मच नींबू के रस डाल दूंगी। साथ में ठंडे पानी डाल देती हूँ। अभी हम 1 चम्मच से शरबत को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी हम 2 बर्फे के टुकड़े डाल देती हूँ। शरबत को और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का तीसरा शरबत गुड़ का शरबत तैयार हो गया। अभी मैंने 1 आम ले लिया। आम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आम को ठंडे पानी से बहुत ही अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसको छील लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कैसे छील रही हूँ। आम को बहुत ही अच्छी तरीके से छील लिया। अभी हम 1 बॉल ले लेती हूँ। अभी इसमें हम आम की पाल को निकाल लेंगे। आम की पाल को निकाल लेने के बाद अभी हम 1 ब्लेंडर जार ले लेती हूँ। अभी हम ब्लेंडर जार में आम की पाल को डाल देती हूँ। साथ में स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल देती हूँ। साथ में 6 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। अभी हम यहाँ पर हरा धनिया डाल दूंगी। साथ में हरा मिर्ची पेस्ट करके डाल देती हूँ। साथ में डाला हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंडर कर लेंगे। ब्लेंडर के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ब्लेंडर हुआ है। अभी हम 4th ग्लास ले लिया। अभी इसमें हम पेस्ट को डाल देती हूँ। अभी हम यहाँ पर 2 चम्मच नींबू के रस डाल देती हूँ। साथ में ठंडे पानी डाल देती हूँ। अभी हम 1 चम्मच से शरबत को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी यहाँ पर बर्फी के 2 टुकड़े डाल देती हूँ। सो
फ्रेंड्स, हमारा आज का चौथा शरबत भुना आम की शरबत तैयार हो गया। अभी हम 5 बाजार ले लिया, मैंने यहाँ पर 5 बाजार को थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अभी हम यहाँ पर पहले 7 चम्मच चीनी डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर ग्लूकोन डी डाल देंगे, मैंने यहाँ पर ग्लूकोन डी का ऑरेंज फ्लेवर यूज़ किया। अभी हम यहाँ पर स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर 4 चम्मच नींबू के रस डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर ठंडे पानी डाल देंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम फुल जार पानी डाल दिया। अभी हम यहाँ पर बर्फ के टुकड़े डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का 5 बार शरबत ग्लूकोन डी का शरबत तैयार हो गया। अभी हम एक बॉयल आम ले लिया, मैंने प्रेशर कुकर में आम को 3 सीटी मार लिया। आम को सीटी मारने के लिए इसका जो मुंह है उसको थोड़ा सा काट लिया और आम को साइड से भी थोड़ा सा काट लिया। अभी हम आम को छील लेंगे। आम को छीलने के बाद अभी हम आम की पल्प को निकाल लेंगे। आम की पल्प को निकाल लेने के बाद अभी हम एक ब्लेंडर जार ले लेती हूँ। अभी हम ब्लेंडर जार में आम की पल्प को डाल देती हूँ, साथ में स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल दूंगी, साथ में 6 चम्मच चीनी डाल दूंगी, साथ में दे दूंगी हरा मिर्ची पेस्ट और दे देती हूँ हरा धनिया, साथ में दे देती हूँ डाला हुआ गरम मसाला पाउडर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अभी हम सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंडर कर लिया। अभी हम 6 बाजार ले लेती हूँ। अभी हम इसमें पहले पेस्ट को डाल देती हूँ, साथ में 3 चम्मच नींबू के रस डाल देती हूँ, साथ में दे देती हूँ ठंडे पानी। अभी बर्फ डाल देंगे। शरबत को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का 6वां शरबत आम पन्ना शरबत तैयार हो गया। अभी हम 7 बाजार ले लिया, यहाँ पर पहले हम एलोवेरा रस डाल दूंगी। मैंने एलोवेरा रस को पहले से निकल के रखा था। अभी हम यहाँ पर शहद डाल दूंगी, साथ में स्वाद अनुसार व्हाइट सॉल्ट और पिंक सॉल्ट डाल दूंगी। अभी हम 6 चम्मच चीनी डाल दूंगी, साथ में 3 चम्मच हम नींबू के रस डाल दूंगी। अभी हम ठंडे पानी डाल देती हूँ। एक चम्मच से शरबत को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी हम इसमें बर्फ के टुकड़े को डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का 7वां शरबत लास्ट शरबत एलोवेरा शरबत तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का 7 प्रकार नींबू की शरबत तैयार हो गया। और आप लोग देखा, हमारा आज का हर शरबत अलग अलग स्वादिष्ट की है और गर्मी में हमारा शरीर को ठंडा रखने के लिए ये शरबत बहुत ही ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय।